दुनिया में आज देखिए, म्यांमार वापस ना जाने पर अड़े रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों ने कहा म्यांमार नहीं जाएंगे क्योंकि वहां अब भी है जान जाने का डर। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। बांग्लादेश से रोहिंग्याओं पर हमारी खास रिपोर्ट के अलावा कार्यक्रम में आज अमरीकी सीमा तक पहुंचा मेक्सिको के शरणार्थियों का पहला जत्था, उन्हें रोकने के लिए अमरीकी सैनिकों ने की नाकेबंदी। दिल्ली ही नहीं लंदन भी है प्रदूषण से परेशान, स्कूली बच्चों के फेफड़ों पर पड़ रहा है बुरा असर। और कैसे मधुमक्खियों के डंक का सामना कर जंगली शहद इकट्ठा करते हैं नेपाल के एक गांव के लोग। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा आज बीबीसी दुनिया में। और आज बुलेटिन की शुरुआत बांग्लादेश से, जहां शरण लिए हुए रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार वापस जाने को तैयार नहीं है। एक फॉर्मूले के तहत कल इन शरणार्थियों का पहला जत्था बांग्लादेश से म्यांमार जाना था, लेकिन रोहिंग्याओं के विरोध की वजह से इस पर अमल नहीं किया जा सका है। उनका कहना है कि म्यांमार अब भी उनके लिए सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश के कॉक्सस बाजार से बीबीसी संवाददाता योगिता लिमय की यह रिपोर्ट। कैंपों में बहुत अफरा तफरी थी, हम वापस नहीं जाना चाहते, हजारों रोहिंग्या शरणार्थी चिल्ला रहे थे और वे इस ऐलान का जवाब दे रहे थे। बांग्लादेश सरकार का ये ऐलान कि अगर कोई म्यांमार वापस जाना चाहता है तो सारी तैयारियां हो गई हैं, और जवाब साफ था। उन्होंने मेरे माँ बाप को गोली चलाकर मार डाला और हमारा घर जला दिया। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम नहीं जाएंगे। वो हमें वहाँ भेजने के लिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगर हम गए तो हमें मार दिया जाएगा। रोहिंग्या लोगों को वापस भेजे जाने को लेकर सरगर्मी बढ़ने से इन कैंपों में पिछले कई हफ्तों से डर का माहौल था। 60 साल के दिल मोहम्मद ने आत्महत्या की कोशिश की। म्यांमार में वो जमींदार जैसे थे, यहाँ एक छोटी झोपड़ी उनका बसेरा है। उनके दो भतीजे मारे गए, वो किसी तरह बीवी और बेटों के साथ भाग पाए। उन्होंने हमें कैसे तड़पाया था वो सब याद आ रहा है। उन्होंने हमारे लोगों को मार डाला, बच्चों को आग में फेंक दिया, घरों में आग लगा दी। मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं कैसे वापस जा सकता हूँ। दिल मोहम्मद की तरह पिछले साल लाखों रोहिंग्या मुसलमान हिंसा छिड़ने के बाद म्यांमार से भाग गए और तब से इन कैंपों में रह रहे हैं। 2 महीने पहले उन्हें वापस भेजने को लेकर एक समझौता हुआ, पर यूएन का कहना है कि ये जल्दबाजी है। अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि रोहिंग्या लोगों को म्यांमार वापस भेजा जा सके। बांग्लादेश सरकार का कहना है किसी को जबरदस्ती नहीं भेजा जाएगा। हम जबरन लोगों को वापस नहीं भेजने के सिद्धांत को लेकर प्रतिबद्ध हैं। अभी ये साफ नहीं है कि सरकार क्या इन लोगों को फिर से समझाने की कोशिश करेगी, मगर उसे बहुत जल्दी इसमें कामयाबी मिलेगी इसकी संभावना कम ही लगती है। अभी भी मुसीबत में रोहिंग्या शरणार्थी और मुश्किल में मेक्सिको में मौजूद हजारों शरणार्थी भी हैं जो अमेरिका सीमा के पास पहुंच चुके हैं। ये लोग अमेरिका में शरण पाने की उम्मीद में यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें रोकने के लिए हजारों सैनिकों को मेक्सिको से सटी सीमा पर तैनात कर दिया है और बॉर्डर पर कड़ी नाकेबंदी भी कर दी गई है। और करीब 5,800 अमरीकी सैनिक इन प्रवासियों को रोकने के लिए यहां ढाल बनकर सीमा पर खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद 4,000 प्रवासी अमरीका के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं और ये लोग हिंसा और गरीबी से परेशान होकर बेहतर जिंदगी की आस में अमरीका जाना चाहते हैं। बीबीसी संवाददाता विल ग्रांट ने मेक्सिको से अमरीका का रुख कर रहे इन प्रवासियों के साथ सफर तय किया। ये लोग अमेरिका के बेहद पास पहुंच चुके हैं। 4,000 किलोमीटर का सफर तय करके शरणार्थियों का यह पहला जत्था मेक्सिको के टिखाना शहर से लगी अमेरिका सीमा तक आ पहुंचे हैं। इन शरणार्थियों के बीच गलत जानकारियां इतनी तेजी से फैल रही हैं कि बहुत कम ही लोगों को इमिग्रेशन से जुड़े सही नियमों की जानकारी है।
मेक्सिको सिटी में कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने अमेरिका में शरण लेने की चाह रखने वाले लोगों को सही प्रक्रिया की जानकारी दी। कई लोगों को हिंसा और गरीबी की वजह से अपना घर छोड़कर अमेरिका जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, लेकिन ये अमेरिका में शरण हासिल करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। इसी वजह से कई लोग ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि वो अमेरिकी अधिकारियों को शरण की अर्जी दें या फिर मेक्सिको में ही रहें। इस नन्हे बच्चे का जन्म मेक्सिको में हुआ। इसके माँ बाप सैमुएल और एना रेबेका एल सल्वाडोर में बेकरी चलाते थे, लेकिन स्थानीय गैंग जब जबरदस्ती उनसे पैसों की उगाही करने लगे तो उन्हें भागना पड़ा। लेकिन सैमुएल को एक बार वापस भेजा जा चुका है, अब वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या करें। मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, इसलिए मैं अपने वकील से पूछूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। जानकारों के मुताबिक ज्यादातर लोगों को अमरीकी प्रवासन नियमों की जानकारी ही नहीं है, इसलिए कई शरणार्थियों को वापस भेज दिया जाएगा। हम लोगों को सामान्य जानकारियां मुहैया करा रहे हैं, हम उन्हें कोई कानूनी सलाह नहीं दे रहे, लेकिन जानकारी देना अहम है ताकि लोग अपने विकल्पों पर विचार कर सकें। कई दिनों से ये लोग अपने घर से दूर हैं और घरेलू खाने को तरस रहे हैं। ऐसे में इन शरणार्थियों से हमदर्दी रखने वाले मैरियन जैसे लोग हैं जो इन्हें खाना मुहैया करा रहे हैं। मैरियन खुद 30 साल पहले होंडुरस से मेक्सिको आकर बस गई थी। ये बाकी लोगों से भी अपील कर रही हैं कि मुसीबत में फंसे इन लोगों की मदद करें। मैरियन इन शरणार्थियों को सलाह देते हुए कहती हैं कि मेक्सिको में भले ही आप करोड़पति ना बन पाएं, लेकिन कड़ी मेहनत करके आप एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन अमेरिका जाने का सपना संजोए ये लोग अब भी वहां शरण पाने की आस लगाए हुए हैं। इनमें से बहुत कम ही लोग होंगे जिन्हें वहां शरण मिलेगी, लेकिन ये सभी लोग उम्मीद का दामन थामे हुए हैं। इन्हें लग रहा है कि उनकी कोशिश जरूर रंग लाएगी। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आज बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में देखिए ब्रेग्जिट को लेकर ब्रिटानिया पीएम टेरेसा मे क्या बोली और लगातार दूसरे दिन श्रीलंकाई संसद में जोरदार हंगामा। पिछले कई दिनों से दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहर प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि बढ़ता प्रदूषण लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। और अब एक स्टडी में पता चला है कि लंदन में भी प्रदूषण का खासा प्रभाव पड़ रहा है और वहां के बच्चों के फेफड़े इसकी वजह से प्रभावित हो रहे हैं। This is a playground where many of the students spend their time either at lunch or break, but it's adjoining the A2. स्कूल में पढ़ रहे छोटे-छोटे बच्चों पर प्रदूषण का कितना असर होता है, बेन मैकडोनाल्ड को इसका अंदाजा है। वो साउथ लंदन के एक ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं जो सड़क के किनारे बना है। A lot of students here at Ian Stanhope who do have asthma, and obviously this has an impact in terms of their long-term health, but also their ability to participate in sporting activities. I'll literally not be able to breathe. You can feel the air, like how it affects your lungs. लंदन के 28 प्राइमरी स्कूलों में की गई एक स्टडी से पता चला है कि उन स्कूली बच्चों के फेफड़े बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं जो उन इलाकों में रहते हैं जहां डीजल के प्रदूषण का असर पड़ा है। There is an effect those children will feel now. It's the this is indicative of the lungs not growing optimally, which means they won't actually attain maximum lung development later in life. 5 साल के दौरान लगभग 2000 स्कूली बच्चों पर की गई इस रिसर्च से पता चला कि खतरनाक प्रदूषण के छोटे कण भी शरीर में जाने से फेफड़े 5% तक कम काम करने लगते हैं। प्रदूषण के इस खतरे से बचने की तैयारियां भी हो रही हैं। लंदन के मेयर सादिक खान कम प्रदूषण करने वाली बसों को लॉन्च करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ये अब तक की सबसे क्लीन बस है। पिछले साल इनमें से कुछ बसें चलाई भी जा चुकी हैं। Between sort of 80% and 90% in terms of emissions have been dropped off since we've launched the Brixton and the Putney zone. So it's had a huge impact. अब इस तरह की बसों को कई फेज में चलाने की तैयारी हो रही है और तैयारी ये भी हो रही है कि साल 2020 तक लंदन की सारी बसें क्लीन बस बन जाएं, प्रदूषण में कमी आए। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जान जोखिम में डालकर नेपाल के गांवों में कैसे जमा की जाती है जंगली शहद। साथ ही दिखाएंगे कैसे भीषण आग ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में मचाई भयानक तबाही। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। शहद इकट्ठा करने के लिए जंगल जंगल घूमना नेपाल के ग्रामीण इलाकों में एक पुरानी परंपरा है। ये काम बेहद खतरनाक भी है क्योंकि गांव के लोगों को एक साथ सैकड़ों मधुमक्खियों के डंक का सामना भी करना पड़ता है और शहद जमा करने के दौरान कई बार ये मधुमक्खियां लोगों को बुरी तरह से काट लेती हैं। नेपाल के लामजुंग से बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा की खास रिपोर्ट। आज मेरा मधुमक्खी ने 300 से ऊपर काटा। 200 मीटर का हाई है, उधर से एक पैर छोड़ जाएगा तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। नेपाल में ये शहद निकालने का मौसम है, पूरा गांव इसके लिए तैयारी कर रहा है। मीन बहादुर गुरुंग और दिल बहादुर गुरुंग भी शहद निकालने के सफर पर जाने वाले हैं और इस सफर में इनका साथ देगी ये सीढ़ी। हमारा ऊपर का जो बड़ा आदमी है, वो हमसे बड़ा आदमी, उनने कर के आया ना, इसीलिए अपना संपत्ति है, इसलिए काटने पड़ते हैं। हमारा पूरा गांव मिलके काटता है। इस जगह पर मधुमक्खियों के छत्ते हैं जहां अब ये दोनों चट्टान से नीचे उतरकर शहद निकालने की कोशिश करेंगे। इस काम में सीढ़ी का मजबूत होना बहुत जरूरी है, साथ ही एक दूसरे पर भरोसा होना उससे भी ज्यादा। उसमें अपना सहनशक्ति होनी चाहिए, सहनशक्ति नहीं होता तो वो आदमी नहीं काट सकता है। पहला शुरू में आने के बाद बहुत डरता है, लेकिन उधर जाके उसका साथ गोलमेल करके काम करके जाता है ना, उसके साथ कुछ भी नीचे का सोचा ही बिल्कुल। इस धुएं से मधुमक्खियां भाग तो जाती हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। शिकारियों को मधुमक्खियों के डंक को सहने की आदत डालनी होती है। सेफ्टी नहीं है, हम इसे जबरदस्ती हमारा एक नॉर्मल कपड़ा लगा के इसे काटते रहते हैं। 200-300 भीरमावरी को काटते हैं हम। इस तरह शहद निकालना सबके बस की बात नहीं है, इसमें साहस और हुनर के साथ उन गांव वालों के साथ की भी जरूरत है जो चट्टान के ऊपर बैठे हैं। एक बार जब ये शिकारी इन छत्तों के पास पहुंच जाते हैं, फिर बारी आती है शहद निकालने की। यहाँ साल में दो बार जंगली शहद निकाला जाता है, एक बार वसंत और एक बार ठंड के मौसम में। सदियों से यहाँ के लोग इसी तरह जंगली शहद निकालते आए हैं, लेकिन अब ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जिससे इन लोगों की कमाई भी हो रही है। बाहर का आदमी आएगा, लाख के ऊपर भी दे सकता है, कोई 80-90-70-60 ऐसा होता है। ये पैसा हमारा ये गांव समाज में रखते हैं। लेकिन आज की कमाई के पैसे इस सड़क को बनाने पर खर्च किए जाएंगे, पर फिलहाल वक्त जश्न का है। तो मुश्किल परंपरा निभाने और रोजी रोटी कमाने के लिए जान जोखिम में डालते नेपाल के ग्रामीण इलाकों के लोग। और केरल के सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बावजूद कई दिनों से लगातार विवाद चल रहा है। इसी पर हमारे कार्टूनिस्ट गोपाल शून्य की कलम से निकला ये कार्टून। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव हारने पर श्रीलंकाई संसद में फिर हंगामा। और अमेरिका में बर्फबारी का लुत्फ लेता एक जाइंट पांडा। साथ ही बताएंगे उत्तर कोरिया ने किया एक नए हथियार का परीक्षण। तो जल्द मिलते हैं ग्लोबल राउंडअप के साथ।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। और अब देखिए बीबीसी ग्लोबल राउंडअप और पहली खबर ब्रिटेन से। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि वो संसद में विरोध और अपने मंत्रियों के इस्तीफे के बावजूद यूरोपीय संघ के साथ हुए ब्रेग्जिट समझौते से पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने आज एक रेडियो प्रोग्राम में अपना रुख स्पष्ट किया। When this deal is finalized and comes back to Parliament, I hope every single member of Parliament is going look at the need to ensure that we deliver on the referendum, deliver on the result of the referendum for the British people. अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी भीषण आग के शिकार लोगों की तलाशी का काम तेज कर दिया गया है। ऐसा अधिकारियों के इस बयान के बाद हुआ कि ऐसे लोगों की संख्या 600 हो गई है जिनका पता नहीं चल रहा है। कैलिफोर्निया के इस सबसे गंभीर आग से कम 63 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर कोरिया की मीडिया के अनुसार उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उनके निरीक्षण में एक नए तरीके के हथियार की टेस्टिंग की गई है जिसकी ताकत के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। दक्षिण कोरिया का कहना है कि एक साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किम जोंग उन खुद हथियार की टेस्टिंग साइट पर मौजूद थे। सऊदी अरब के पवित्र शहर मदीना में आज मारे गए पत्रकार जमाल खाशोगजी के लिए फातिहा पढ़ा गया। समझा जाता है कि इस्तांबुल, लंदन, पेरिस और वॉशिंगटन में भी ऐसी प्रार्थनाएं होंगी। 6 सप्ताह पहले खाशोगजी की इस्तांबुल में सऊदी दूतावास में हत्या कर दी गई थी। और इसके अलावा खबरों में है दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग जो कि करीब 560 करोड़ रुपए में बिकी और इसे मशहूर ब्रितानी पेंटर डेविड हॉकनी ने साल 1972 में बनाया था। इसे उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन पेंटिंग बताई जा रही है। हॉकनी ने पहले भी ऐसी ही पेंटिंग बनाई थी जिसे उन्होंने नष्ट कर दिया था। श्रीलंका की संसद में आज एक बार फिर सांसदों ने हंगामा किया। आज नवनियुक्त प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के समर्थकों ने स्पीकर की सीट हथिया दी और विरोधी सांसदों पर मिर्ची पाउडर फेंक दिया। कल भी सदन में सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई थी और कल भी वहां संसद में सांसदों के बीच मारपीट। और यह है जाइंट पांडा बेबे जिसे अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में भारी बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए देखा गया। दरअसल बर्फबारी के कारण उसका घर नष्ट हो चुका था लेकिन इससे परे ये पांडा बर्फबारी का लुत्फ उठाता हुआ कुछ इस तरह से देखा गया। और अब खबरें बीबीसी के सोशल मीडिया से भी। बीबीसी न्यूज ने एक खबर ट्वीट की है और इसके मुताबिक थाईलैंड में भारतीय मूल की शेफ गरिमा अरोड़ा मिशेलिन स्टार हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो आप मुझे भी ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर कार्यक्रम के बारे में फीडबैक दे सकते हैं। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना ही।